डीएम के आदेश के बावजूद भी जैन मंदिर चौराहे से डग्गे मार वाहनों की दबंगई बदस्तूर जारी है, जबकि जिलाधिकारी ने एक कार्रवाई के दौरान इन वाहनों को बंद कराने की बात कही थी, लेकिन डग्गे मार वाहन पुलिस की मिलीभगत से डग्गे मारी करने में उतारू हैं। फिरोजाबाद के सुभाषतरहा जैन मंदिर पर डग्गे मार वाहनों की डग्गई मारी बदस्तूर जारी है। जिलाधिकारी ने लगभग 15 दिन पहले इन डग्गे मार वाहनों पर अभियान चलाते हुए कार्रवाई करने की बात कही थी, लेकिन स्थानीय पुलिस और चौकी इंचार्ज की मिलीभगत से डग्गे मारी बदस्तूर जारी है। हम आपको बता रहे हैं, थाना उत्तर इलाके से डग्गे मारी का अभी इसी तरह का अवैध कारोबार चल रहा है, लेकिन दक्षिण इलाके की बात करें तो आगरा और फिरोजाबाद में डग्गे मार वाहनों को लाने ले जाने की एक समुचित स्थान बना दिया गया है। जैन मंदिर के सामने डग्गे मार वाहन धड़ल्ले से सवारियों को भरते हैं और मानक के विपरीत सवारियों को भरकर वह ले जाते हैं। तीव्र गति का भी इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह सवारियों को ठूस ठूस के भरा जाता है, अगर कोई ऐसा हादसा रास्ते में हो जाए, गाड़ी अगर पलट जाए तो उन सवारियों को सकुशल निकालना भी बड़ा दूभर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में प्रशासन की जिम्मेदारी भी बनती है कि लोगों से खिलखाड़ करने वाले इन डग्गे मार वाहनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी न्यूज, फिरोजाबाद। सुधीर शर्मा। यहाँ डग्गे मार वाहन चल रहे हैं, क्या परेशानी हो रही है? लोगों को आने जाने में दिक्कत है काफी, और ये मनमानी करते हैं। यहाँ पे खड़े होकर बहुत सारी भीड़ लग हुई है, जिससे आने जाने वालों को आए दिन जाम का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा हुआ है कि सवारियों के साथ मारपीट का मामला? हाँ बिल्कुल होता है, जबरदस्ती ये बैठाते हैं सवारियों को, अपने अपने वाहन में खींचातानी करते हैं सवारियों को, बदतमीजी करते हैं। तो ये पुलिस क्या कर रही है, बिल्कुल क्या करना चाहिए? आओ मिली भगत से हो रहा है ये सब काम, पुलिस की तो निगरानी में हो रहा है ये काम, के डग्गे मार जो बड़ी बसेस थी उन पर हम लोगों ने काफी शिकंजा कसा था, लेकिन जो छोटे वाहन हैं उस पर भी अब कार्रवाई करनी है। और निश्चित तौर पे अगर इस तरह की कोई चीज हुई है जहां पर मारपीट हुई है, वहां पुलिस को एक्शन लेने के लिए हम लोग कड़े निर्देश भी निर्गत कर देते हैं। पास में पूर्व में संज्ञान में नहीं आई थी, लेकिन अभी दक्षिण थाना में मैं कहकर जिसने भी गलत गतिविधि की है, जिसने मारपीट की है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे और डग्गे मार वाहनों को भी हम लोग उस पर